ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखांबितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुवेश्या कृपा सिंधु वहे वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dhanvat Pranam, Haribol, Hare Krishna. So happy to see all of them. I feel very happy that Prabhuji, devotees are really maintaining Krishna consciousness. Consistency is the most important thing in Krishna consciousness. Or this consistency I am watching, there are many devotees. महीनों के महीनों अभी तो सालों के साल भी हो रहा है, साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन डिवोटीज ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। वेरी हैप्पी प्रभु, वेरी हैप्पी। जस्ट कीप इट अप प्रभु, जस्ट कीप इट अप। ऑल आई कैन टेल यू इज प्रभु, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़े बूढ़े हो जाने के बाद में समझ में आएगा। इससे ऊंचा चीज कुछ भी नहीं है। इतना नरिशमेंट देता है ओल्ड एज में, इतना सेटिस्फेक्शन और शेल्टर मिलता है। हर जगह से जो है ईगो क्रश होता है, और वो ईगो क्रश होने के बाद में शेल्टर जो है हरि नाम से मिलकर मिलने से प्रभु जी आप लाइफ के अंदर ब्लिसफुल रहते हो, वो स्थिति के अंदर भी। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। सो थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार ये शुक्रवार को जो है पहली जुलाई आई थिंक सो फर्स्ट ऑफ जुलाई को रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी के अंदर। अंदाज से 10 से 11 लाख लोग जो है जगन्नाथ के रथ यात्रा परेड के अंदर जो है लोग दर्शन करने जाते हैं। पूरे दुनिया से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए रथ यात्रा का। जगन्नाथपुरी से गुंडीचा जो है रथ को लेके जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं, कीर्तन करते हैं, जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। और इवन हमारे इस्कॉन के अंदर भी जो है रथ यात्रा जो है उसी दिन बनाया जाता है। मुंबई के अंदर मीरा रोड टेम्पल जो है वहां पे उस दिन ही रथ यात्रा रहेगा। और आई थिंक आई हैव जस्ट हर्ड द मैसेज कि इवन गुजरात के अंदर बड़ौदा टेम्पल के अंदर भी रथ यात्रा उसी दिन है प्रभु। मुझे मालूम है दूसरे कहाँ कहाँ पे दर्शन रथ यात्रा होती है, उसी दिन होती है। एज फार एज रथ यात्रा इज कंसर्न, टू बी वेरी फ्रेंक ना प्रभु, जैसा मुझे रथ यात्रा का विचार आता है ना, तब मुझे 1999 में राधानाथ महाराज जो है सभी लोगों को रथ यात्रा में राधा गोपीनाथ कांग्रीगेशन को लेकर के जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में लेके गए थे। ये रथ यात्रा जो है बहुत यूनिक रथ यात्रा है हमारे सब राधा गोपीनाथ कांग्रीगेशन के लिए। ये रथ यात्रा में जो है प्रभु तकरीबन उस समय मेरे ख्याल से 2 से 2.5 हजार लोग जो है भक्त लोग जो है वो रथ यात्रा में आए थे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, उस वो रथ यात्रा के बाद में राधानाथ महाराज को पूछा गया था कि आपका रियलाइजेशन क्या है रथ यात्रा का। और वो रथ यात्रा का रियलाइजेशन जो है राधानाथ महाराज ने एक लेक्चर में दिया है, और वो लेक्चर का टॉपिक है रियलाइजेशन ऑफ द रथ यात्रा या यात्रा, ऐसा करके 1999 का वो लेक्चर है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हर एक डिवोटी जो है ना
इस्कॉन डिजायर ट्री में से आपको लेक्चर मिल जाएगा। हर एक व्यक्ति जो है ये लेक्चर को सुनना चाहिए, बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत रियलाइजेशन आ जाते हैं और बहुत सीरियसली समझ में आता है कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड प्रभु ऑफ दैट रथ यात्रा के पहले। देखिए राधानाथ महाराज हैज ए फॉरेन बॉडी, वो यूएसए से आए हुए हैं, उनका फॉरेन बॉडी है, वो फॉरेन बॉडी होने की वजह से वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो उसको अलाउ नहीं करने की वजह से उनके लिए एक ही शेल्टर होता है कि वो रथ यात्रा के अंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करें और उनको देखते देखते जो है कीर्तन करते रहे। दिस इज द ओनली वे राधानाथ महाराज को जो है जगन्नाथ के दर्शन हो सकते हैं। तो वो हमेशा हैंकर करते थे कि मुझे कभी ये रथ यात्रा का रथ यात्रा में मुझे जाने मिलेगा। प्लस महाराज इज वेरी अटैच टू जगन्नाथ, ऑल आई कैन से इज, क्योंकि मैंने इतना उनको सुना है, बहुत अटैच है जगन्नाथ से। और खास करके जो है उस समय जो है जब भी वो न्यू वृंदावन में थे, तभी जो है उनको जब चैतन्य चरितमृत, जब प्रभुपाद का चैतन्य चरितमृत आया तो वो इतना पढ़ते रहते थे उसमें, खास करके अंत्य लीला में जगन्नाथपुरी का बहुत वर्णन होता है, तो उसके वजह से जो है बहुत अटैच्ड हो गए थे। लेकिन आपको अगर पता होगा कि 1971-72 के अंदर जो है राधानाथ महाराज केम टू न्यू वृंदावन, मीन्स वृंदावन, वो दैट पास्ट टाइम है ना, वो लोग सब आप जर्नी होम में सब बताया है, उस समय वो एक साल जो है वृंदावन में ही रहे हैं। लेकिन बाद में जो है उनको वीजा का प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ही हैज टू लीव वृंदावन एंड गो टू यूएस, क्योंकि उनको वीजा में अलाउ नहीं किया। उन्होंने तो एक वाव ले लिया था कि मैं जिंदगी पर्यंत अभी वृंदावन में ही रहूंगा, लेकिन जो है प्रभु उनको गो टू न्यू वृंदावन। न्यू वृंदावन में जाने के बाद में उनको सेवा दिया गया राधा वृंदावन चंद्र का डीटी वर्षिप का। अभी डीटी वर्षिप कर राधानाथ महाराज को यह सेवा दिया गया है तो उसके अंदर खाली वो अकेले व्यक्ति को ही पूरा डीटी वर्षिप का मेंटेन करने का है, यानी सुबह के जो है पूरा डीटीज को उठाने का, पहला मंगल भोग, फिर बाद में जो है डीटीज का आरती करने का, ड्रेसिंग करने का, श्रृंगार दर्शन करने का, इतनी ऑफरिंग्स करने की, इतनी आरती करने की, इतना कुकिंग करने का, कुकिंग भी महाराज करते थे, कुकिंग करते थे, ऑफरिंग करते थे, आरती करते थे, ड्रेसिंग करते थे, डीटीज के सामने बैठ करके कीर्तन करते थे, सुलाते थे, एवरीथिंग महाराज वॉज डूइंग, ओनली वन मैन शो, ओनली वन मैन शो। महाराज कहते थे कि मैं सुबह में 3 बजे उठता था, रात को 10 बजे सोता था, और वो भी न्यू वृंदावन की इतनी सर्दी होती थी, इट वॉज नेगेटिव, सभी भी 8, 10, 12 नेगेटिव क्लाइमेट हो जाता था, उसमें स्नान करने का 3 या 4 बार स्नान करने का होता है। मुझे बताते थे महाराज कि जब उधर इतना पानी जो है इतना ठंडी हो जाता था कि जो है वो बर्फ ही हो जाता था, तो मैं एक वो हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा लेकर के जाता था और वो बर्फ को तोड़ता था, और जैसा बर्फ को तोड़ता तो बाद में लिक्विड पानी आता था, तो वो लिक्विड पानी को लेकर के फिर स्नान करता था, उतनी ऑस्टेरिटी महाराज वॉज डूइंग इट। अभी प्रभु जी महाराज को जो है वॉज हैंकरिंग सो मच टू गो टू न्यू वृंदावन, लेकिन बाद में महाराज को ऐसा बताया गया कि आपको जो है अभी तो आपको इधर ही लाइफ लॉन्ग रहने का और यही सेवा आपको लाइफ लॉन्ग करने की। अभी बिफोर दैट महाराज वॉज सो मच अटैच टू वृंदावन एंड ऑल द स्पिरिचुअल प्लेसेस, लेकिन अभी फिर उनको वृंदावन में, न्यू वृंदावन में आने के बाद में उनको बोला गया कि अभी आप यहाँ पे रहना है और आपको पूरे जीवन यही सेवा करनी है। तो महाराज को हृदय से मालूम हो गया कि अभी मैं कभी भी ये सब सेवा नहीं कर पाऊंगा या मैं देख नहीं सकूंगा। तो वो हमको बताते थे प्रभु कि मैं रोज सुबह में जो है ना हरेक वृंदावन के हरेक स्थान जो है ना, मैं जहाँ पे भी जाता था ना उसका मेडिटेट करता था और उनको याद कर करके मैं फिर बाद में मेरी सीधा सीधा सुबह में उठ करके पहले वो मेडिटेट करता था, फिर मैं दिन चालू करता था। एंड देन चैतन्य चरितमृत आया, और चैतन्य चरितमृत आने के बाद में महाराज बिकम सो अटैच्ड टू जगन्नाथपुरी ऑल्सो, लेकिन उनको बताया गया कि नो नथिंग डूइंग, आपको इधर ही रहना है। महाराज हैड वन कंसेप्शन वेरी क्लियर, ही विल नॉट रिटेलिएट। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे कि मुझे जाना है, इंडिया छोड़ो मुझे जाना है, नो। महाराज मेड इट वेरी क्लियर, फॉलोइंग द अथॉरिटी मीन्स फॉलोइंग कृष्णा। और उन्होंने प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी ने उनको एक चीज, उन्होंने प्रभुपाद से सुना था कि इफ यू फॉलो द अथॉरिटी यू आर सर्विंग मी। महाराज सेड दैट आई विल जस्ट फॉलो इट आउट, आई विल नॉट रिटेलिएट,
आई विल जस्ट फॉलो द अथॉरिटी, आई विल हैव नो इंडिपेंडेंस, मैं इसी तरह से जिंदगी निकाल दूंगा। अभी ये जो है प्रभु डीटी वर्शिप जो है ये स्टैंडर्ड महाराज को 10 साल इसी तरह से गया है। प्लीज अंडरस्टैंड, मॉर्निंग 3 o'clock टिल नाइट 11 o'clock, नो हॉलीडे, नो रेस्ट एंड नो अदर पर्सन अदर देन हिम टू सर्व द डीटीज। दिस वेंट फॉर 10 years। 10 साल के बाद में महाराज को जो है कॉलेज टीचिंग का प्रोग्राम को सेवा दिया गया और सब यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रीचिंग करने के लिए, वहां पे भी जो है इतना शेड्यूल टाइट था, विच आई विल नॉट डिस्कस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, वो सब जगह पे भेजा जाता था और वहां पे भी शेड्यूल इतना उनका टाइट रहता था, देयर आल्सो ही कुड नॉट कम। फाइनली महाराज को फिर ऐसा बताया गया कि आप राधा गोपीनाथ मंदिर में आइए और वहां के कॉन्ग्रीगेशन के लिए संभालो और उनको प्रीचिंग करो और उनको जो है कॉन्ग्रीगेशन को कृष्ण कॉन्शियसनेस का नरिशमेंट दो। जब वहां पे गोपीनाथ मंदिर में आ गए तब जो है सब कॉन्ग्रीगेशन का प्रीचिंग प्रोग्राम्स पूरा कमिटमेंट, वो भी सुबह से रात तक एवरी डे शाम को इवनिंग प्रोग्राम्स, ये सब चीज चलता था। नाउ टू सी द नरिशमेंट ऑफ राधा गोपीनाथ कॉन्ग्रीगेशन, सभी लोगों ने और विथ इंक्लूडिंग महाराज सब लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि वी हैव टू गो फॉर अ यात्रा एवरी ईयर। एक हमारी पूना यात्रा होती थी और एक कार्तिक में या रथ यात्रा में एक दूसरी यात्रा होती थी। साल में मिनिमम 2 यात्रा होती थी। महाराज ने डिसाइडेड टू गो फॉर 3 यात्रा, पर 2 यात्रा तो कंपलसरी होती ही थी। उसमें 1999 में ऐसा डिसाइड किया गया कि वी विल गो फॉर रथ यात्रा इन जगन्नाथपुरी। नाउ प्लीज नोट प्रभु, महाराज वाज सो हैंकरिंग फॉर गोइंग टू रथ यात्रा, बट फॉर 26 years, 26 साल तक महाराज कुडंट कम फॉर रथ यात्रा। एवरी ईयर वो ही वॉज हैंकरिंग, अभी और वो मेडिटेट करते थे इधर रथ क्या होगा, इधर रथ पहुंचा होगा, इतना लोग डिवोटीज ने रथ को खींचा होगा, और वो मेडिटेट करते रहते थे, बट ही कुड नॉट कम फॉर द रथ यात्रा फॉर 26 years। 26 साल तक, बट ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज हिज सर्विस, नो कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कॉम्प्रोमाइज इन ड्यूटीज, नो गोइंग अगेंस्ट द अथॉरिटी। क्लियर स्ट्रिक्टली महाराज हैड डिसाइडेड दैट आई विल नॉट डू इट, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कृष्णा विल बी प्लीज बाय डूइंग दिस सर्विस रादर देन गोइंग अवे। अभी देखो क्या हुआ प्रभु जी, एक मिरेकल लाइफ में हुआ था उनकी लाइफ में, और महाराज हमेशा कहते हैं ये मिरेकल मेरे लाइफ के अंदर ऐसा हुआ है कि जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं भूलने वाला नहीं हूँ। अभी प्रभु जी आपको पता होगा कि जब रथ यात्रा जब रथ को खींचते हैं जगन्नाथपुरी से गुंडीचा के लिए, तो जब गुंडीचा जब रथ पहुंचता है ना, तो रथ अगर जो है सूर्यास्त के बाद में अगर रथ वहां पे पहुंचता है, तो वो रथ पे से जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जो है ना वो गुंडीचा मंदिर में नहीं लेके जाते हैं, वहीं पे गुंडीचा जो मंदिर के पास में जो पटांगण है वो पटांगण पे ही रथ वहां पे खड़ा रहता है और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहीं पे रात को वहीं पे खड़े रहते हैं। तो डिवोटीज जो है फिर इतने थके हुए रहते हैं पूरा रथ खींच करके आए होने की वजह से, वो रात को थोड़े लोग कीर्तन करते हैं और रात को जो है फिर थोड़ा सब आराम करते हैं क्योंकि इतना थके हुए रहते हैं रथ की वजह से। अभी देखिए क्या हुआ प्रभु, वो उस दिन रात को जो है वो रथ जो है गुंडीचा मंदिर पहुंच गया था, लेकिन रात को सूर्यास्त हो जाने की वजह से, प्रभु सॉरी हाँ मैं टाइम नहीं ले रहा, हाँ बराबर टाइम है मेरे पास, तो जो है प्रभु वो रात को जो है सूर्यास्त हो जाने की वजह से रथ जो है गुंडीचा में डीटीज को गुंडीचा टेम्पल के अंदर नहीं लेके गए और रात को जो है प्रभु रथ पे ही डीटीज वहीं पे रहे और सब लोग कीर्तन किया, ये किया, आरती किया, सब करने के बाद में इतने थके हुए थे कि रात को 1-2 बजे के आसपास सब आराम कर रहे थे, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी वाले लोग भी जो है वो थोड़े थक गए थे, वो बैठे थे लेकिन दे वर टेकिंग रेस्ट, ये वो चल रहा था। रात को 3 बजे जो है जो एक वहां का जगन्नाथ मंदिर का जो पांडा है राम कुमार पांडा करके और एक कार्तिक करके दूसरा पांडा है, दे आर लविंग महाराज सो मच, वो रेगुलरली गोपीनाथ टेम्पल आते रहते थे, तो उन्होंने देखा कि ये स्थिति एकदम सुंदर है, उन्होंने महाराज को उठाया और महाराज को जो है गुंडीचा मंदिर लेके गए और गुंडीचा मंदिर लेके जाने के बाद में महाराज को बोला कि तुम जो है चलो अभी रथ के ऊपर छोड़ो। महाराज के आई विल नेवर डू इट, मेरे को ये मेरे लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मिल गया है जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर, जगन्नाथ को रथ को खींचने का मैंने इतना सुंदर मुझे दर्शन मिला है, मैं ये कभी भी करूंगा नहीं। तो फिर जो है प्रभु
कार्तिक और राम गोपाल, आई थिंक राम पंडा कैसा कुछ है उनका नाम, वो दोनों ने महाराज को खींचा, खींच करके बोला कि तुम रथ के ऊपर चढ़ी जाओ। इंटरनली महाराज वो सही कि मेरे हृदय में भी इच्छा थी कि ये ऐसा मेरे को लाइफ में कहाँ मिलने वाला है। तो फिर उन्होंने इतना फोर्स किया तो मुझे लगा कि जगन्नाथ की इच्छा है, तो महाराज को जो है रथ के ऊपर जो है चढ़ा लिया गया। बिकॉज नो बड़ी वॉज और वो भी रामकुमार पांडा वॉज ऑल्सो पांडा ना, वहां का जो पांडा था, सो नो बड़ी वॉज स्पीकिंग एनीथिंग, और महाराज को जो है रथ के ऊपर जो है ले लिया गया। रथ के ऊपर लेने के बाद में पहला जगन्नाथ के रथ यात्रा रथ पे लेके गए, और अंदर जाने के बाद में नो बड़ी वॉज देयर, एब्सोल्यूटली नो बड़ी वॉज देयर। एंड जैन वो पांडा जो है रामकुमार पांडा ने महाराज को बोला, नाउ दिस इज जगन्नाथ एंड यू, ओनली यू बोथ ऑफ देम आर देयर, नाउ डू व्हाट एवर यू वॉन्ट इट। कैन यू इमेजिन प्रभु जी क्या महाराज का स्थिति थी। महाराज ने पहला चरण पे जो है पूरा दर्शन सिर झुकाया, महाराज की मैं क्या करूं, मैं क्या मैं देख रहा हूँ, ये मैं ड्रीम में हूँ कि मैं दूसरी जगह पर हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या ये व्यक्ति जो है 10-10 लाख लोग जो है रथ यात्रा में आते हैं और मुझे तो जो है मंदिर के अंदर एंट्री भी नहीं मिलते, बीइंग ए फॉरेन बॉडी, मेरे सामने जगन्नाथ और मैं अकेला। और फिर जो है उन्होंने जो है फिर सब ऑफरिंग दिया महाराज को कि ऑफरिंग करो महाराज को, महाराज को बोला ये ऑफरिंग करो, पूजा करवाया, ये करवाया, और फिर द बेस्ट थिंग गार्लेंड्स डलवाया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग महाराज को बोला, उनका हाथ पकड़ा और बोला कि लो जगन्नाथ को एम्ब्रेस करो। एंड देन प्रभु जी महाराज को जो है जगन्नाथ से एम्ब्रेस कर, महाराज बोले मैं जो है ना आई सोल्ड आउट माय सेल्फ, व्हाट एवर दे वर टेलिंग आई वाज जस्ट डूइंग इट। एंड देन महाराज बोले कि आई वाज जस्ट प्रेइंग फॉर ऑल अवर डिवोटीज कि जगन्नाथ ये लोग को सबको शुद्ध भक्ति दो, मेरा क्या मेरे क्या मैं क्या हूँ, ये लोग जो है सब साथ में आए, गिव इन प्योर डिवोशन। एंड महाराज सेड ये क्या मेरे लाइफ में मैं देख रहा हूँ, ये क्या मेरे लाइफ में हो रहा है। उनको महाराज को प्रदक्षिणा करवाई और फिर महाराज को बोला तुम अभी इधर बैठो और तुम और जगन्नाथ नथिंग एल्स एंड डू व्हाट एवर प्रेयर्स यू वांट टू डू। फिर वहां से महाराज को उठाया, दर्शन करवाया, महाराज इंटेंसली प्रेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, वहां से उठा करके फिर बाद में सुभद्रा के रथ पे लेके गए। सुभद्रा के वो बड़ी 3 o'clock फिर जगन्नाथ के सुभद्रा के रथ पे लेके गए, फिर जगन्नाथ सुभद्रा के रथ के बाद में जो है उतार करके फिर बलदेव के रथ पे महाराज को लेके गए। दिस एक्सपीरियंस महाराज सेड आई विल नेवर फॉरगेट टिल द इन द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ ऑल्सो आई प्रे, महाराज हमेशा कहते थे जब आई एम अबाउट टू लीव माई बॉडी तो मुझे वही जो है एक्सपीरियंस मेरे सामने दिखा है कि मैं और जगन्नाथ सामने थे अकेले, आई कुड एम्ब्रेस जगन्नाथ, आई कुड डू पूजा। जो आदमी को जो है प्रभु थोड़ा अंदाजा लगाओ, जो आदमी को दर्शन भी नहीं मिल सकता है जगन्नाथ का, मंदिर में जा भी नहीं सकते और जब भी दर्शन मिलने वाला है वो रथ यात्रा में मिलने वाला है, वो भी 10 लाख लोगों के सामने ही मिलने वाला है, वो व्यक्ति को खाली वो और जगन्नाथ आमने सामने और नोबडी एल्स, और वो वहां पे बैठने का, जगन्नाथ को एम्ब्रेस करने का, जगन्नाथ की पूजा करने की, गार्लैंड डालने का, गिफ्ट देने का, और वो खाली जगन्नाथ ने बलदेव और सुभद्रा भी किया। दिस इंसिडेंट महाराज सेड वेरी वेरी क्लियरली दिस हैज गिवन मी सो मच नरिशमेंट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, एंड महाराज गेव हिज रियलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। महाराज सेड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों मेरे लाइफ में हुआ, ऐसा क्या हो गया मेरे लाइफ में कि मुझे ऐसा इतनी ऊंची चीज मिल गई कि मेरा ड्रीम में भी नहीं किया, वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मैं विचार नहीं किया था कि ये होगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है वो लेक्चर सुनिएगा, आपको भी बहुत नरिशमेंट मिलेगा। आई यूज टू हियर दैट लेक्चर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उन्होंने यह ब्रह्मचारी लोगों के साथ में रियलाइजेशन शेयर किया। अभी प्रभु जी महाराज स्टार्टेड स्पीकिंग दैट व्हाट इज द थिंग दैट व्हाई ही कुड गेट दिस थिंग। महाराज वाज मेडिटेटिंग कि मुझे कैसा हो पाया। Unfortunately, I was not there in 1999 with Maharaj. मैं वो रथ यात्रा में नहीं गया था, लेकिन जब मैंने सुना ना तो 2000 के अंदर मैं भी दूसरे साल भी हमारा रथ यात्रा हुआ था तो मैं भी चला गया था, जब महाराज के साथ तो मुझे भी जाना है, तो मैं 2000 के अंदर हमारा रथ यात्रा में आई ऑल्सो वेंट विथ महाराज एंड आई न्यू इट।
ये महाराज जो है वो दूसरे दिन उस समय भी जो है गुंडीचा पे जो है रथ यात्रा शाम के टाइम पे ही पहुंचा, और शाम के टाइम पे पहुंचा तो गुंडीचा के अंदर रथ को नहीं, नीतीश को नहीं लेके गए। तो दूसरे दिन रात को जो है मुझे पक्का पता था कि महाराज विल डेफिनेटली कम वो दूसरे दिन। तो मैं भी 3 बजे पहुंच गया मैं भी 3 बजे पहुंच गया था रथ यात्रा के पास गुंडीचा में। एंड उस समय देवामृत स्वामी जो है, जो हमारे जो बहुत सुंदर सन्यासी है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और यूएस के अंदर टीचिंग करते, महाराज उसको भी लेके आए थे क्योंकि उनका भी फॉरेन बॉडी था, तो उनको भी अलाउ नहीं करते थे। ही वाज आल्सो हैंकरिंग के जगन्नाथ का दर्शन कैसे आवे, तो महाराज और देवामृत स्वामी आ गए और मैं वहां पे खड़ा था महाराज आ गए राम कुमार पांडा लेकर के, महाराज वॉज वॉचिंग, महाराज सेड यू आल्सो कम, मैं तो महाराज मेरे को नहीं आना है प्लीज, मैं तो जिंदगी में कभी भी दर्शन कर सकता हूँ, मैं तो फॉरेन बॉडी नहीं है, तो मुझे नहीं आना है, आप ले आप जाओ महाराज, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका लाइफ के अंदर ये इंसिडेंट्स, मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ महाराज, आप जाइए। तो फिर मैं साइड में हो गया और महाराज उसी दूसरे साल भी जो है ही वेंट एंड डिड द दर्शन एंड दर्शन। अब वो 3 बजे, वो 3 बजे के टाइम में सब सोए हुए रहते हैं महाराज, अमरेश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एंड देवामृत स्वामी आल्सो गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, ही वाज आल्सो सो ओवरवेल्म्ड, क्या हमारे लाइफ में हो गया ये। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, महाराज हैज गिवन अ वंडरफुल रियलाइजेशन, वंडरफुल रियलाइजेशन वो हमारे लिए। महाराज बता रहे थे कि ये क्यों हुआ, ऐसी मर्सी मेरे को कभी मिल सकती है? अरे इवन छोड़ो, दूसरा तो छोड़ो प्रभु, इंडियन बॉडी को भी ऐसी मर्सी नहीं मिल सकती जो मुझे मिली, ये मर्सी तो मुझे आप लोग को भी नहीं मिल सकती जो मुझे मिला, ऐसा महाराज ने नहीं बोला, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट महाराज सेड, व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग दिस रियलाइजेशन और दिस मर्सी फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ। महाराज सेड मैंने जो है ना कभी भी अथॉरिटी को जो है ना मैंने इंडिपेंडेंस नहीं रखा, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो अथॉरिटी को किया, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी ड्यूटीज कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने जो है कहां पर भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया, जो मुझे बोला गया वही मैं स्ट्रिक्टली फॉलो किया। इतना हैंकर कर रहा था जाने के लिए लेकिन मैं नहीं जाता था, खाली एक ही वजह से कि मैं मेरी अथॉरिटी को मेरे को उसको जो है डिस्टर्ब करके मुझे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेकर के जाना नहीं, कृष्णा विल नॉट बी प्लीज, मुझे जगन्नाथ का दर्शन करना है जगन्नाथ की टर्म्स एंड कंडीशंस पे, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस से नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट जो वाक्य बोलते हैं, डोंट ट्राई टू सर्व कृष्णा, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व हिम इन सच वे दैट ही वांट्स टू सी यू महाराज। और महाराज प्रभुपाद जी का भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि डोंट ट्राई टू स्टॉर्म इन कृष्णा अबोर्ड, this will you will not get Krishna. So Prabhuji, Maharaj was saying that because I strictly followed it, Jagannath brought me in his term, and because he brought him in his term, and that's why he gave me this mercy. हमारे जीवन के अंदर भी प्रभु बहुत ऐसी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज आएगी कि हमको जो है प्रभु हमारी ड्यूटीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी सर्विसेज हमको अलाउ नहीं करेगी कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर जो है, जो कुछ भी हमको कोई प्रोग्राम में जाना है, कोई फेस्टिवल में जाना है, कोई यात्रा में जाना है, हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी ड्यूटीज हमारी अथॉरिटीज हमको ना बोलेगी सच कुछ होगा प्रभु जी। अगर आप एडमेंट होकर के जाते जाओगे ना तो जो है प्रभु आपके टर्म्स एंड कंडीशन से जा रहे हो, नहीं कृष्णा के टर्म्स एंड कंडीशन से जा रहे हो। अगर नहीं जाने को मिल रहा है या ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, हाँ अगर आप सॉल्व कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो वंडरफुल प्लीज डू इट, बट ऐसा कुछ भी मत करना कि वो जो है यू गो अगेंस्ट द अथॉरिटी अगेंस्ट योर सर्विसेज अगेंस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेंस्ट योर ड्यूटीज। अगर नहीं जाने मिला तो इंटेंसली कृष्णा को प्रार्थना करना प्रभु उधर बैठ करके, हो सकता है आपको जपा में भी आने को ना मिले, कुछ हो सकता है, इंटेंसली कृष्णा से प्रार्थना करना प्रभु, आप देखना आपका नरिशमेंट इतना होगा कि आप एज इफ यू आर गॉन ओवर देयर, आपको इतना नरिशमेंट मिलेगा, इतना आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन आएगा, इतना ब्लिसफुल रहोगे ऑल्दो यू हैव नॉट गॉन। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू टीच अस, ही वांट्स टू टीच अस।
और महाराज वो ही बता रहे थे कि वो दूसरे ऐसे भी डिवोटी है जो इंडिपेंडेंटली चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करते, मैं कृष्णा की सेवा कर रहा हूँ ना, चाहते हैं। और फिर जो है प्रभु सब जगह पे घूमते हैं, वो सब ऐसे बहुत डिवोटीज है जो यूएस से जो है इंडिया में आते हैं और सब धर्म और सब सब स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, सब अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल रिवर्स है उसके अंदर स्नान करते हैं और घूमते रहते हैं। और ऐसे भी डिवोटीज थे यूएस के अंदर जो प्रभुपाद के पीछे घूमते रहते थे, सब वो लोग ने गाड़ी ले लिया था, प्रभुपाद जिधर भी जाते थे उनके पीछे जाते थे, कीर्तन वहां पे करते थे, प्रभुपाद सब लेक्चर्स प्रभुपाद के अटेंड करते थे। महाराज बता रहे थे कि जब भी मैं उनका देखता हूँ और हम लोग का देखता हूँ, मुझे देखा उन्होंने एनालिसिस किया कि ही डजंट वांटेड टू इंटरफियर, ही डजंट वांट टू मेंशन एनीबडीज नेम, पर जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आता है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है, स्पिरिचुअल जो है ना प्रभु आपको जो है नेक्टर मिलता है, आपको जो है इतना अंदर से एंजॉयमेंट, मींस एंजॉयमेंट इन द सेंस इतना सेटिस्फेक्शन अंदर आपको मिल जाता है, वो लोग को नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब आप जो है कृष्णा के टर्म्स एंड कंडीशन से जब कृष्णा को मिलने जाते हो ना, तब वो मिलेगा आपको। डोंट ट्राई टू गो, यू डोंट स्टॉर्म इन कृष्णाज अबाउट प्रभु, जस्ट फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, योर ड्यूटीज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट वे कृष्णा विल इंस्पायर यू। टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद को जो है प्रभु 1922 के अंदर जो है प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले और उसी समय जो है प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि यू आर ए यंग मैन, प्लीज कंप्लीटली प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियस मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और प्रभुपाद वाज सो कन्विंस, उन्होंने उसी समय से जो है अपनी लाइफ के अंदर प्लानिंग करने लगे, लेकिन प्रभु उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी नहीं छोड़ी। 1956 बीच में उन्होंने बैक टू गॉड एंड मैगजीन वो सब चीज किया, लेकिन फुल फ्लेजेड उन्होंने प्रीचिंग प्रोग्राम्स और वो सब चीज 1956 में चालू किया। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, 1922 से 1956 ऑलमोस्ट 34 ईयर्स तक प्रभुपाद वॉज हैंकरिंग प्रभु जी के, कब मैं वो सेवा करूँ, कब मैं ये भक्ति के अंदर में बराबर अंदर चले जाऊं। लेकिन बीइंग ए हाउस होल्डर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी ड्यूटीज थी, उनकी सेवाएं थी, उनकी सर्विसेज थी, इट डिड सैक्रिफाइस, इट डिड कॉम्प्रोमाइज दैट थिंग, एंड बिकॉज इट डिड कॉम्प्रोमाइज दैट थिंग, जब फुल फ्लेजेड में जब उनको सब मिल गया और जब उन्होंने पूरा चालू किया, तो कृष्णा ने उनको इतना नरिशमेंट दिया और इतना एम्पावरमेंट दे दिया दैट ही कुड प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच दूसरे कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल नहीं कर पाए, लेकिन एक गृहस्थ कर पाया। सी दिस इज ऑल रिजल्ट्स। राधानाथ महाराज का एग्जाम्पल देखो, प्रभुपाद का देखो, एंड आई हैव टू मेंशन वन एग्जाम्पल विच इन माई लाइफ आई सीन इट। मेरी मासी जो है, यानी माई मदर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, प्रभु जी दिस एग्जाम्पल टच्ड मी सो मच। माई मासी शी वॉज स्टेइंग इन भावनगर, भावनगर यानी गुजरात के अंदर एक जगह है भावनगर, वहां पे वो रहती थी और बहुत उनको लाइफ में कष्ट होता था, बहुत कष्ट उन्होंने सहा है। 40 बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड माता जी थी, बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड। मैन वेयर शी यूज्ड टू टॉक विद माय मदर आई कुड अंडरस्टैंड इट। अभी जो है वो माता जी जो है 45 ईयर्स तक उसको घर से बाहर नहीं निकलने मिला है, और 45 साल और सो मच हैंकरिंग। शी वाज फ्रॉम पुष्टि मार्ग, यानी वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है, उसके अंदर वो शी वाज कनेक्टेड। रोज सुबह में जल्दी उठ जाती थी, यमुनाष्टक जो बोलते हैं वो पुष्टि मार्ग का था, यमुनाष्टक करती थी, श्री कृष्ण शरणम मामा जो है वो लोग का हरिनाम का जपा होता है वो करती थी। लेकिन शी वॉज बीन सो मच टॉर्चर्ड बाय हर इन लॉज, उनका हस्बैंड उनको जरा भी सपोर्ट नहीं करते थे, और फिर उनके बच्चे जो है उनके साथ में वो भी जो है उनको बहुत हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलने से उसको ही सब बच्चे के सामने सब नर्चरिंग करना पड़ा। 45 ईयर्स तक वो माता जी हमेशा हैंकर करती रही, कब मैं व्रजधाम जाऊंगी, कब मैं वृंदावन जाऊंगी, कब मैं मथुरा जाऊंगा, बिकॉज दे आर फ्रॉम व्रजधाम, पुष्टि मार्ग में दे गिव मोर एम्फेसिस टू मथुरा, दे गिव मोर एम्फेसिस टू वृंदावन, दे गिव सो मच एम्फेसिस टू विश्राम घाट ऑफ मथुरा, वहां जहां पे कृष्णा ने विश्राम किया था कंस को मारने के बाद में। अभी ये माता जी को 45 साल तक, फिर उनका हस्बैंड गुजर गया, इन लॉस तो बहुत पहले चले गए, हस्बैंड गुजर गया और बच्चे भी बड़े हो गए। फिर बच्चों लोगों ने डिसाइड किया कभी ये मदर को एक बार भेज दो, कितने सालों से वो बोल रहे हैं धाम में भेजने के लिए, तो उनको भेजो।
after 45 years of continuous service, not compromise in her responsibilities, in her duties, in her services, no compromise. और intensely कृष्णा को अंदर से याद करके meditate करती रहती थी, but she didn't go. अभी क्या हुआ प्रभु जी, 45 years के बाद में पहली बार वो माता जी जो है भावनगर से मथुरा गई है. नो डाउट उस पर अपने ग्रुप दूसरे चार पांच छह माता जी के साथ में गई थी वो. सीधे जब पहला बिकॉज दे आर सो अटैच टू मथुरा विश्राम घाट को, वो यमुना जी के अंदर विश्राम घाट पे उसने सब लोग ने स्नान किया और उसे स्नान करके जो विश्राम घाट के जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स पे माता जी बैठ करके माला लेकर के माला करने लगी श्री कृष्ण शरणम मम का. और श्री कृष्ण शरणम मम का जैसे वो माला करने का चालू किया उन्होंने, ऐसा ही जो है प्रभु वहां पे जो है उनको हार्ट अटैक आया और वो गिर गई और वहां पे उन्होंने देह छोड़ दिया. सी लेफ्ट हर बॉडी ओवर देयर इटसेल्फ एट विश्राम घाट के ऊपर ही, तट के ऊपर ही, पगत यानी उसका जो स्टेप्स के ऊपर ही उन्होंने 45 इयर्स के बाद में पहली बार आई है माता जी विश्राम घाट में. स्नान किया, हरिनाम करते करते सब जगह वैष्णव साथ में थे और वहां पे वैष्णव का स्थान कैंटिंग करके वहीं पे उस चीज समय शी लेफ्ट हर बॉडी. He was shocked when we got the message. और प्रभु उनका अंतिम क्रिया भी जो है वो भी जो है विश्राम घाट के सामने तट पे, यानी जो यमुना जी का सामने जो तट था वहां पे उनकी अंतिम क्रिया भी किया गया. This makes it so clear, प्रभु कृष्णा sees that. प्रभु ऐसा मत समझना कि आप उधर जाने के बाद में आपकी अटेंडेंस लगती है. कृष्णा आपको हृदय से चेक करता है, आप कितना हैंकर कर रहे हो, आप कितना सिंसियरिटी बता रहे हो, आप कितना सिंसियरली वहां पे घर पे रहने के बाद में भी आपकी इंटेंसिटी बताते. दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट. दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न. डोंट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज. कृष्णा विल नॉट अप्रिशिएट इट. रादर घर पे रहो लेकिन वो इंटेंसिटी इतनी रखो. प्रभु सुपर सोल जो है ना कृष्णा आपके हृदय में बैठा है, वो आपको देखता रहेगा और आपको नरिशमेंट वहां से मिलता रहेगा. और इतना हैंकर करने के बाद में जो रियलाइजेशन आएगा ना, वो रियलाइजेशन बहुत स्टेबल रहता है. देखिए राधानाथ महाराज, देख प्रभुपाद, देख. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इट. तो आज जब हमारा 32 वाला हम चैंटिंग करेंगे ना प्रभु, वी हैव टू प्रे टू कृष्णा. वी हैव टू प्रे टू कृष्णा प्रभु. मुझे दिस इज अवर रथ यात्रा प्रभु. फॉर अस दिस इज अवर रथ यात्रा. वी हैव टू प्रे टू कृष्णा. Krishna, I don't want to compromise my duties and responsibilities and my service. Please, Krishna, please give me help. I don't want to get carried away. बोलते, तुम आए गए मंदिर पे, तुम नहीं आए. माया में हो, ये है, ये है. But I will not compromise my duties and responsibilities. My services, my duties. हाँ, उसका ये मतलब नहीं है प्रभु कि अगर आपको जाने को मिले, अगर आपकी आपको परफेक्टली मालूम हो गया आपकी authorities, आपकी duties and responsibilities परफेक्टली हो रही है, then you should not sit here. Then Krishna आपको बोला है कब आओ, then you should not sit here. Then sitting there is a maya. But when you don't have that opportunity, please do your responsibilities and duties properly. And intensely pray to the Lord. घर पे बैठे बैठे भी हो सकता है आपको प्रोग्राम में भी आने को ना मिले, आपको जपा भी करने ना मिले. Intensely pray करना प्रभु. Fortunately आपको आने का ही नहीं है, हम तो Zoom में अंदर तो हम साथ में, हम घर पे बैठे बैठे ही कर सकते. लेकिन हो सकता है उस समय आपको घर के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आया और आप हमारे साथ में बैठ ना पाओ. लेकिन जब भी आपको चांस मिले तो इंटेंसली प्रे करना कृष्णा को, कृष्णा विल रेसिप्रोकेट. सो प्रभु आज जब हमारा 32 माला हम करेंगे, जब हम कृष्णा से याचना करेंगे, कृष्णा मुझे मेरी लाइफ में मेरी मेरी सर्विसेज, मेरी ड्यूटीज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. प्लीज मुझे ये इंस्ट्रक्ट, ये मुझे जो है इतना स्ट्रेंथ दो कि मैं जो है प्रभु आपको जो है मैं आपको उस हिसाब से प्रसन्न करूं कि आपको अच्छा लगे, तभी ही मैं जो है आपके पास आऊं. मैं अगर आपने मेरे को वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं नहीं आ पाऊं तो मैं वहां पे घर पे बैठ करके भी इंटेंसली आपके लिए प्रार्थना करूंगी. एंड दैट विल प्लीज यू मोर रादर देन कमिंग ओवर देयर, बिकॉज आई आई वॉन्ट टू कम टू मीट यू एट योर टर्म्स एंड कंडीशन, नॉट एट माई टर्म्स एंड कंडीशन. दिस इज मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु. ऐसा भागो मत प्रभु, भागो मत. कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको जिंदगी के अंतिम क्षण तक करना है और प्योरिफिकेशन करके करना है. ये सब रगड़ेगा ना हम, ये हमारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी में रगड़ेगा प्रभु. इतना करने के बाद में भी किक मिलेगा हमको, और वो किक जो है कृष्णा को साथ में रखा होगा ना, तो वो साथ में रखा होगा तो वो किक के सहारे
जबरदस्त रियलाइजेशन आएगा, और वो रियलाइजेशन जो है ना आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस को इतना मैच्योर कर देगा, और वो मैच्योरिटी के साथ में जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खत्म हो जाएगी ना, तो वो मैच्योरिटी के साथ में जब कृष्ण के पास जाओगे ना प्रभु, यू विल बैक ए रॉक, इतना फिक्स्ड अप हो जाओगे कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर कि आपको लगेगा एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस एवरीथिंग इज नॉनसेंस। लेकिन उसके पहले उसकी कीमत देनी पड़ती है भाई, और कीमत क्या है, नहीं अच्छा लगता तो भी रगड़ेगे, रगड़ेगे भाई रगड़ेगे, और रगड़ करके भी कृष्णा को भूलेंगे नहीं। इस बार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी, आपके एम्प्लॉयज, आपका जॉब, आपका जो भी है, हो सकता है आपका हेल्थ इश्यू भी होगा, जो भी होगा सबके ऊपर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, लेकिन हृदय से तो कृष्णा के साथ में इंटेंसली मैं बराबर सेवा करते रहूंगा। कृष्णा इज मोर कंसर्न विथ योर डिवोशन, विथ योर हार्ट, रादर देन एक्सटर्नल थिंग्स प्रभु। दिस विल हेल्प योर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहा प्लीज प्रे फॉर मी दैट वी वांटेड टू हैव दिस कॉन्शियसनेस, वी डोंट वांट टू रन प्रभु जी, ऐसा भागते रहने का नहीं है। इसलिए जो हम 64 राउंड्स भी करते हैं, हम दूसरी जपा भी करते हैं, वो इस तरह से करते हैं जिससे जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। 64 राउंड छुट्टी के दिन ही करते महीने में, फिर जो है 32 राउंड भी वीकेंड में ही करते हैं, और 16 माला सोमवार से शुक्रवार क्यों करते हैं, तो उतना आपको करना ही है, क्यों ना हमारे साथ सुबह में कर लो, इसके हिसाब से करते हैं। आज एकादशी, एकादशी के दिन हम 64 राउंड करेंगे 12 बजे तक, लेकिन वो ऑप्शनल रखते हैं, आपको अच्छा लगे, आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब हमारे साथ में आकर के जपा करो। अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना है नहीं आ सकता हूं, मत आओ, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, लेकिन वो 16 माला बराबर इंटेंसली करना, क्योंकि वो तो करना ही है, क्यों ना हमारे साथ में सुबह में कर लो ब्रह्म मुहूर्त में। दिस इज द वे वी वांटेड टू प्लान एंड वी वांटेड टू ट्रेन अवर डिवोटीज, सो दैट एक बाजू रिस्पॉन्सिबिलिटी करते जाएंगे, एक बाजू इंटेंसली कृष्णा से प्रार्थना करते रहेंगे, और किक मिलेगा। प्लीज नोट, फैमिली माला किक मारेंगे, सोसाइटी किक मारेगी, आपका जॉब आपको किक मारेगा, आपका हेल्थ भी आपको किक मारेगी, सब किक मारते रहेंगे, लेकिन वो इंटेंसिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस के होने की वजह से जितना किक मिलेगा उतना कृष्णा से अटैचमेंट बढ़ते जाएगा, और जितना अटैचमेंट बढ़ेगा ना उतना आपका कन्विक्शन बढ़ते जाएगा, और वो कन्विक्शन जो है आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एक रॉक के जैसा स्ट्रॉन्ग कर देगा। दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस एंड अवर आचार्य ऐसा सोएंगे तो मेक इट एज अ प्रायोरिटी प्रभु। प्लीज फॉर गॉड से प्रभु, अभी मेरे को 60 साल हो गया है, प्लीज आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ये मेरे लाइफ में भी फॉलो करूं। प्लीज आई बेग यू ईच एंड एवरी डिवोटी, मुझे ऐसा आर्टिफिशियल कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं करना है, हमको जेन्युइन कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है, इतना जेन्युइन करना है कि कृष्णा इज हैंकरिंग टू सी अस, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, प्लीज ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच ए वे दैट ही वांट्स टू सी यू, डू इट दैट वे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।